सुबह का वक्त था और मुझे भूख लगी थी. उस वक्त मेरी माँ गुजर चुकी थी और मैंने नौकर से पूछा, मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए. तो उसने कहा कि बाबा, दो दिन हुए आपने खाना नहीं खाया, आप सोते रहे थे. मैं बाथरूम गया, मैंने अपने आप को देखा तो मैं मरने की हालत में था. मेरे मुंह से खून निकल रहा था, मेरे नाक से खून निकल रहा था. और वो देख के मैं डर गया. मैं दत्त साहब के पास गया सुबह 7 बजे और उनको कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं ड्रग्स पे हूँ. तो मैं एक लकी इंसान था कि दत्त साहब, मेरे फादर मुझे यहाँ से अमेरिका ले गए और वहाँ ड्रग केयर सेंटर में मैं 2 साल रहा. लेकिन पहले साल में ऐसा लगा कि एक सुट्टा और मारा जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, ना करूँगा ना करने दूंगा. उसके बाद मैं वापस आया तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा गुरखा आके, मैं घर पे पहुँचा ही था कि एक आदमी आके कहता है आपसे कोई मिलने आया है. तो मैं बोला अभी किस कौन मिलने आया है सुबह 7 बजे. तो मैं गया, जो तो ड्रग पेडलर था वो मुझे मिलने आया है और मुझे बोला बाबा ये नया माल है, ये तेरे लिए लाया हूँ, ये तू रख ले फ्री में. मुझे एक सेकंड डिसाइड करना था, या तो लूँ या तो ना लूँ. और वो एक सेकंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं जिंदगी में ड्रग्स कभी नहीं करूँगा. और उस टाइम जब मैं वापस आया, मैंने दत्त साहब से कहा, मेरे फादर से, कि अगर आपने मेरी मदद की है, कभी ना कभी मैं अपने जवानों की, अपने योद्धा की, अपने फ्यूचर की मदद जरूर करूंगा. ना करूंगा, जो करूंगी वो करूंगी बोल सकते हैं. ना करने दूंगा, ड्रग्स ना करूंगा. ना करने दूंगा, ड्रग्स ना करूंगा. ना करने दूंगा. और अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं शपथ लेता हूं ना ड्रग्स करूंगा और ना करने दूंगा. मैं भी शपथ लेता हूं कि ना ड्रग्स करूंगा और ना ही करने दूंगा. मैं भी शपथ लेता हूं कि ना ड्रग्स करूंगा ना करने दूंगा. हम सब शपथ लेते हैं कि हम ना ड्रग्स करेंगे और ना करने देंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अच्छा सारी Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.